नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक डिजिटल डीएस में। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कैसे हम एक पुराना जो हमारे पास कलर टीवी है या पुराना कंप्यूटर का मॉनिटर है, उसको कैसे हम आज के टेलीविज़न के रूप में ढाल सकते हैं या कैसे उसको हम स्मार्ट टेलीविज़न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने अभी देख पा रहे हैं, मेरे पास है ये एक मॉनिटर, कंप्यूटर का पुराना वाला सीआरटी मॉनिटर है, और इसको मैंने बनाया है स्मार्ट, यानी अब ये पूरी तरीके से स्मार्ट टीवी के रूप में काम कर रहा है। और इसके लिए मैंने लिया है एक एंड्रॉयड बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, बिना एंड्रॉयड बॉक्स के माध्यम से ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एंड्रॉयड बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो एंड्रॉयड बॉक्स लिया है वो है डिस स्मार्ट हब, और इसको हमने ऑडियो वीडियो केबल के माध्यम से अपने कंप्यूटर मॉनिटर में कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद जैसा आप देख सकते हैं, इसका इंटरफेस ठीक वैसा ही है जैसा कि हमारे पुराने एंड्रॉयड बॉक्स में होता है। तो ये आज का एंड्रॉयड बॉक्स जो है, उसके हिसाब से इसको अपडेट किया गया है, और अपडेट करने के बाद ही ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसा कि आपका एक एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी काम करता है। तो देखिए, इसको चेक भी कर देते हैं आपके लिए कि वाकई में वो सारे फंक्शंस इसमें काम कर रहे हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं सारे ऐप्स बहुत ही स्मूथली रन कर रहे हैं बिना किसी लैग के। और यहाँ पर मैं आपको कोई एक एप्लीकेशन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखें, ये एक ऐप है सेंड फाइल्स टू टीवी, इसको देख लेते हैं स्टार्ट करके। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। इसके बाद हम हमारे पास जो और भी सारे ऐप्स हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब है, यूट्यूब देखें, यहाँ पे यूट्यूब भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि आपके स्मार्ट टीवी में काम करता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस एंड्रॉयड बॉक्स की खासियत क्या है कि जो हमारा पुराना टीवी है वो पूरी तरीके से स्मार्ट हो गया है। कोई भी ऐप इस पे आप चाहे तो प्ले कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी लैग के। ये सारे एप्लीकेशंस काम करते हैं। ये देख सकते हैं वूट ऐप है, इसको हमने स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप कोई भी एप्लीकेशन इस पे डाल सकते हैं और वो वैसे ही काम करता है जैसे कि आपके एलईडी टीवी में करता है। प्ले स्टोर भी है, ऐप्स के माध्यम से आप ऐप में जा सकते हैं। आप चाहें तो वाईफाई कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, अलग अलग वाईफाई कनेक्टिविटी कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में इसके डिटेल्स जानने हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिटेल्स के बारे में बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।